हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 का अपना आकलन का लास्ट एक्सरसाइज चल रहा था विविध प्रश्न वाला, जिसमें 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अब 16-17 सिर्फ दो क्वेश्चन बचे हैं। तो इसमें क्या करना है, रोले प्रमेय का सत्यापन करना है। जबकि फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 इंटू रूट एक्स, एक्स संबंधित है 0 से 2 में। अब यहां पर वो ये दिया हुआ फलन क्या है, संगत है और अवकलनीय है। तो एफ डिस एक्स निकालेंगे यहां पे सबसे पहले, सॉरी एफ 0 में मान निकालो इसका, तो 0 माइनस 2 रूट 0 का मतलब 0 कितना हो गया 0। एफ 2 का मान निकालेंगे, 2 माइनस 2 0, यानी एफ 0 बराबर हो गया आपका एफ 2। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे एफ डिस एक्स, एक्स माइनस 2 मैंने बाहर ले लिया, रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, प्लस रूट एक्स मैंने बाहर ले लिया, एक्स माइनस 2 का हो जाएगा 1, लघुत्तम आ गया 2 रूट एक्स। यहां एक्स माइनस 2 बच गया, 2 रूट एक्स को रूट एक्स से करेंगे तो 2x, ये आ जाएगा 3x-2 अपॉन 2 रूट एक्स। अवकलन कर दिया। अब क्या करेंगे, एफ डेस सी बराबर 0, एफ डेस सी मतलब हो जाएगा 3c-2 2√c बराबर 0, 2√c 0 में जाएगा 0 जाएगा, तो 3c बराबर 2c का मान आ जाएगा 2/3। अब 2/3 0 से 2 के बीच में आता है, यानी कि 2/3 संबंधित है 0 से 2 के बीच में, ऐसा है रोले प्रमेय का सत्यापन होता है। अगला प्रश्न है 16 बी पार्ट, एफ एक्स बराबर x-1 x-3 और x संबंधित है 1 से 3 के बीच में, और रोले प्रमेय का मतलब क्या है, सत्यापित करना है। तो देखो इस फलन को गुणा कर दो, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से किया 3x, 1 से करेंगे तो -x -+3, तो फलन आ गया आपका एक्स स्क्वायर -4x+3। अब दिया गया फलन बहुपदीय है, अगर है संवर्त अंतराल में संतत है तथा विवर्त अंतराल में अवकलनीय है, ये लाइन लिखनी है आपको। उसके बाद में एफ 1 पर चेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर -4 × 1+3 0, फिर एफ 3 का मान ज्ञात करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 × 4 = 12+3 0, यानी कि एफ 1 किसके बराबर आ गया, एफ 3। तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो गए यहां पे। अब एफ डिस एक्स का मान ज्ञात करेंगे, 2x-4 आ गया। अब वही एफ डी सी बराबर 0, एफ डी सी का मतलब 2c-4, तो 2c = 4c का मान आ गया 2। अब ये सी का मान लो, इससे बीच में आ रहा है 1 से 3 के बीच में, तो 2 संबंधित है 1 से 3 के बीच में, अतः रोले प्रमेय का सत्यापन होता है। ओके, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके, ऐसे क्वेश्चन 7.6 में सारे किए थे आपने। ओके, नेक्स्ट है एफ एक्स बराबर x-1 x-2 x-3, एक्स संबंधित है 0 से 4 में, तो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का सत्यापन कीजिए। तो वही आप एफ एक्स को गुणा करके लिखिए, इसको करता हूं सबसे पहले दोनों गुणा, x²-2x-x+2, ये हो गया x²-3x+2 गुणा में है x-3, ये हो गया x³-3x² और ये हो गया -3x²-9x, ये हो गया 2x और ये हो गया 6। एफ एक्स आ गया x³, 3 और 3 6x², 9 और 2 11x और -6, ये आपका आ गया एफ एक्स।
अब वही लिखना है यहाँ पे बहुपदीय फलन है तो संतत है अंतराल है विवर्त अंतराल में अवकलनीय है। अब आपको क्या निकालना है, एम प्लस एक्स निकालनी होगी, 3x² इसका 6 दुनी 12x इसका हो गया 11, 6 का हो गया ये आ गया आपका। अब लाग्रांज माध्यम अनुपात में बोलती है एफ सी बराबर एफ पी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये बोलती है। अब ऊपर वाला एक रफ कर देता हूं, एफ डे सी का मान आ जाएगा यहां से 3c² माइनस 12c प्लस का 11 बराबर एफ बी, एफ बी मतलब एफ 4 माइनस एफ 0 बट्टे में 4 माइनस 0, बी की जगह 4 ए की जगह 0। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, तो एफ 3c² माइनस 12c प्लस 11 एफ 4 का मतलब एफ एक्स का अपॉन एक एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, यही फलन था आपका एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। एफ 4 का मान 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3, एफ 0 का मान 0 माइनस 1 0 माइनस 2 0 माइनस 3, 4 में से 0 हो जाएगा 4। तो मतलब जहां पर भी एफ एक्स में एक्स था उसकी जगह 4 रख दिया, 0 था तो 0 रख दिया, इसको मान लिया 4 की 12c² 12 चौके 48c और 11 चौके 44, 4 में से गया 3 4 में से 2 गया 2 4 में से 3 गया 1, ये हो गया माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3, तो ये 12c² माइनस 48c प्लस 44 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 4 माइनस आ गया ना 3 दूनी 6 6 और 6 12 44 से 12 इस साइड आएगा 12c² 48c 4 में से 2 गया 2 4 में से गया 2, इसमें कॉमन आ रहा है 2 पूरा छोटा करो तो 2 6 12 2 4 2 8 11 2 22, तो बात समीकरण ये रहेगी 6c² माइनस 24c प्लस 11 बराबर 0, ये समीकरण आ गई। इसको क्या करना है, सोल्व करना है, तो एक बार रफ कर देता हूं इसको, ये समीकरण आगे सी का मान निकालेंगे तो सी का मान माइनस का बीसवीं द्राचार्य प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 ए 6 है सी कितना है 11 है बट्टे में 2a कितना है 6, माइनस का बी का मान माइनस 24 ए का मान 6 है सी का मान 11 है प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रख दिया अपॉन 2a, अब तो बता देता हूँ, अब सोल्व करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस का 24 का स्क्वायर हो गया 576 और ये हो गया 11 6 66 को 4 से 4 छिका 24 4 24 25 26 274 और 6 में 12 24 प्लस माइनस 6 में से 4 गया 2 7 में से 6 गया 1 5 में से 2 गया 3, अब 312 है इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं, 2 1 2 1 2 5 10 2 6 12 2 7 14 1 5 16 2 6 1 2 18 3 3 3 3 4 तो 2 12 है ना आपका, तो रूट 78 कर लेते हैं सीधा, इनमें से 2 12 रहेगा और ये हो गया रूट 78, 2 कॉमन आगे घटता है इसमें 12 प्लस माइनस रूट 78 बटे में 6,
दो कोण आ गया, यहाँ पे बढ़ गया। अब ये मान इसके बीच में जीरो से चार के बीच में है या नहीं, इसका सत्यापन करते हैं। तो 78 है, 78 का रूप जब कितना हुआ, चलो दो का पेड़ लिया मैंने, तो 6 से 37 हो रहा, तो 8 बार 2 से 9 नौ नाम 81, 9 नाम 81, 8 बार 2 से 67 आ गया, 8 बज गया, 8 8 16 10 मना लगाएंगे तो 2 जोड़े, अब इससे गुणा करेंगे तो क्या है 16 में 144 होता, 8 से करके देखते हैं, 8 बार 2 से 67, 8 से 48 10 50 54, 8 8 और 5 13, 8.8 के समथिंग आ रहा है इसका रूप, तो C बराबर 12 प्लस माइनस 8.8 बटे 6। एक बार तो प्लस का साइन है, तो 12 8 20.8 बटे 6, 6 3 18 19 3 समथिंग, 12 माइनस 8.8 12 में से 8 8.8 बटे 6, तो ये भी मतलब क्या है, 0 से 2 थोड़ा ज्यादा ही आएगा, 0 समथिंग आएगा आपका, 0 समथिंग। तो ये जो दोनों मान है आपका, जो सी का जो मान है, यानी 12 प्लस माइनस √78/6 संबंधित है 0 से 4 के बीच। अतः आप कह सकते हो कि लामराज माध्यमान परमेय का सत्यापन होता है। ओके, बड़ा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन जो कैलकुलेशन करोगे उसके बाद में आपको इजी लगेगा ये क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन में आपका फलन ऐसे लिखा हुआ है, x संबंधित है 1 से 3 के बीच में, तो इस टाइप से लिखा हुआ फलन है, तो आपको संततता और अवकलनीयता चेक करनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, बिंदु आपको 2 ही दे रखा है, 2 इसके बीच में भी आ रहा है 1 से 3 के बीच में, तो 2 पर x बराबर 2 पर सांतत्या चेक करेंगे आपका, तो सबसे पहले बाएं सीमा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस h, तो सीधा लिखा हुआ x 2 से छोटा है तो ये फलन लेना है, x 2 से बड़ा है तो ये वाला फलन लेना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 से कम पे 1 प्लस x लेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे, 2 माइनस h, 1 प्लस 2 माइनस h, की जगह 0 रख दिया, कितना हो गया 3। अब दाएं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, अच्छा 2 से ज्यादा पे ये वाला फलन लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 से ज्यादा पे लेंगे ये 5 माइनस x की जगह क्या लिखूंगा मैं 2 प्लस h, x की जगह 0 रख दो तो 5 में से 2 गया 3, और f 2 पे मान x बराबर 2 पे है तो 5 माइनस x ये वाला फलन लेंगे, तो x की जगह 2 रख दो यहाँ पे 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, तो बाएं सीमा बराबर दाएं सीमा बराबर f 2, अतः फलन क्या है संतत है। अब चेक करें इसकी अवकलनीयता, तो संतत तो हो गया फलन, अब अवकलनीयता चेक करेंगे, x बराबर 2 पर अवकलनीयता, तो सबसे पहले बायां अवकलज, बायां अवकलज, तो बायां अवकलज होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h माइनस f 2 अपॉन h, अब 2 माइनस है 2 से कम भी ये वाला फलन, तो 1 प्लस 2 माइनस है f 2 पे 5 में से 2 गया 3 बट्टे में h, 2 रे के 3 3 से 3 कट गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h से कौन h बच गया माइनस 1, तो ये तो आपका आ गया बायां अवकलज। अब देखते हैं दायां अवकलज,
लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ दो प्लस एच माइनस एफ दो अपॉन एच, ये आपका दायां अवकलन निकाल रहे हैं। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो दो से ज्यादा तो ये वाला अपना, तो पांच माइनस एक्स की जगह रख दिया दो प्लस एच, एफ दो का मान तीन बटे एच, पांच में से दो जाएगा तीन, तीन से तीन कैंसिल, एच अपॉन एच कितना होगा एक होगा, तो एक की सीमा एक, यानी बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों बराबर नहीं है, बायां अवकलज बराबर नहीं है दायां अवकलज के, अतः फलन संतत नहीं है, नहीं सॉरी अवकलनीय नहीं है, अगर अवकलनीय नहीं है तो लामरास माध्यमान प्रमेय का सत्यापन नहीं होता है। तो ये आपका जो चैप्टर था आपका सात अवकलन फिनिश होता है यहाँ पे, विविध प्रश्न माला भी कंप्लीट हो चुकी, तो इसको अच्छे से आपको चैप्टर को तैयार करना है, बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें छह नंबर का बोर्ड में, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है इसकी। ओके।